दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहते हैं फाइनेस्ट वैलिटी की एक और अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जिस्म दूसरे लोगों के जिस्म से कदरे मुख्तलिफ होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स बाकी तमाम लोगों के बॉडी पार्ट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं। इसी यूनिकनेस की वजह से अगर आप उन्हें कहीं दूर से देखें तो वो पूरे क्राउड में सबसे अलग दिखाई देते हैं। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बॉडी पार्ट्स दुनिया के अंदर सबसे लंबे हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक फाइनेंस वैरायटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आते हैं ट्रेन वैन ही, जिनका ताल्लुक है वियतनाम से। दोस्तों हमारे बाल ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मीटर लंबे हो सकते हैं, लेकिन मिलिए इस शख्स से जिसे दुनिया के अंदर सबसे लंबे बाल होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइटल भी मिल चुका है। इस शख्स ने 31 साल की उम्र से अपने बालों को कटवाना बिल्कुल बंद कर दिया था और अब इनकी उम्र 68 साल हो चुकी है और इनके बालों की लंबाई 7 मीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 6 साल से इन्होंने अपने बालों को धोना भी बंद कर दिया है। इसके बाद आती है ली रेनबेंट। दोस्तों हर शख्स अपने नाखूनों को हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा तो जरूर काटता है, लेकिन इस औरत से मिलिए जिसने अपने नाखूनों को एक महबूब की तरह सजा रखा है। इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे नाखून हैं और इनके नाखूनों की लंबाई तकरीबन 9 फीट के करीब है। इन्होंने अपने नाखूनों को 1979 से लंबा करना शुरू किया और आज तक इन्हें नहीं काटा, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में इनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने इनकी जिंदगी ही तब्दील कर दी। दोस्तों इनका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद इनके तमाम नाखून पूरी 10 की 10 उंगलियों से गायब हो गए। इसके बाद आती है यूजेक्सिया। दोस्तों आँखों की पलकें सभी को बहुत पसंद है, लेकिन इन्हें तो इनके साथ प्यार है। इनकी आंखों की पलकें दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी हैं और इन्हीं लंबी पलकों की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल हो चुका है। इनकी पलकों की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर लंबी है, जो कि दुनिया में किसी और शख्स की नहीं है। अगर आपको 12.5 सेंटीमीटर का अंदाजा नहीं है तो एक आम कोल्ड ड्रिंक का जो कैन होता है ये उससे भी लंबी पलके हैं। दोस्तों आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कुछ औरतों को देखा होगा जिन्होंने अपनी गर्दन के इर्द गिर्द मेटल रिंग पहने होते हैं। एशिया के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इनसे मिलिए, ये दुनिया की सबसे लंबी गर्दन वाली खातून है। इस खातून का ताल्लुक म्यांमार से है और इसकी गर्दन दुनिया में सबसे लंबी है, और इस लंबी गर्दन की वजह यह है कि ये हर साल अपनी गर्दन के अंदर एक मेटल रिंग और बढ़ाती हैं, और अगर ये 100 लोगों में खड़ी हो तो आपको दूर से ही सबसे डिफरेंट नजर आएंगी। इनकी गर्दन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, जो की दुनिया में किसी भी शख्स से ज्यादा लंबी गर्दन है। अब बात करते हैं निक स्टोमैन की। कैलिफोर्निया में रहने वाले निक वैसे दिखने में तो एक आम शख्स लगते हैं जो पियानो भी बजाते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी जुबान बाहर निकालते हैं तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इनकी जुबान एक आम शख्स से बहुत लंबी है। जी हाँ, इनकी जुबान 10 सेंटीमीटर लंबी है और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे लंबी जुबान रखने वाले आदमी का एजाज भी हासिल हो चुका है। आपने वो मुहावरा सुना होगा, लंबी जुबान वाला शख्स। तो दोस्तों असल में ये वो शख्स है जिसकी जुबान बहुत लंबी है। अब बात करते हैं स्वितलाना पेंत्रोतोवा की। रूस से ताल्लुक रखने वाली ये खातून अपनी लंबी टांगों की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। इनकी टांगों की लंबाई 4 फीट और 4 इंच है। आपने देखा है कभी कोई इतनी लंबी टांगों वाला शख्स? इनकी पूरी बॉडी की हाइट 6 फीट और 5 इंच है। इतनी लंबी टांगों की वजह से इन्हें अपने लिए जूते खरीदने और अपने लिए कपड़े खरीदने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आखिर में बात करेंगे इब्राहिम टेक्यूला की। इनका ताल्लुक मोरक्को से है और ये दुनिया के दूसरे सबसे लंबे आदमी है, लेकिन अगर पाँव की बात की जाए तो इनके पाँव दुनिया में सबसे लंबे है। इनके दाएं पैर की लंबाई 1 फीट 2 इंच है, जबकि इनके बाएं पैर की लंबाई 1 फीट और 3 इंच है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।